एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि जैक्सन और लिडिया एक वीडियो स्टोर जाते हैं। लिडिया बाहर कार पे ही वेट करती है और जैक्सन डीवीडी लेने स्टोर के अंदर चला जाता है। वहां उसको स्टोर के ओनर की डेड बॉडी मिलती है, जिसको देख के जैक्सन बहुत डर जाता है। तभी उसको वहां वो अल्फा दिखता है और जैक्सन डर के मारे उस अल्फा से छुप जाता है। वो अल्फा सारे रैक्स गिरा देता है और जैक्सन उन रैक्स के नीचे फंस जाता है। अल्फा जैक्सन को मारने ही वाला होता है कि तभी वो जैक्सन की गर्दन पर डेरिक के नेल्स के स्क्रैच देखता है जो ग्लो कर रहे होते हैं। वो निशान देख के वो अल्फा जैक्सन को कुछ नहीं करता और स्टोर का कांच तोड़ के वहाँ से भाग जाता है। बाहर लिडिया उस अल्फा को देख के बहुत डर जाती है और चीखने लगती है। स्टाइल्स और उसके डैड शेरिफ कार में होते हैं। तभी शेरिफ को उस वीडियो स्टोर वाले एक्सीडेंट का कॉल आता है और वो दोनों वहीं चले जाते हैं। शेरिफ स्टाइल्स को कार में ही वेट करने को कहते हैं और खुद क्राइम सीन इन्वेस्टिगेट करने चले जाते हैं। स्टाइल्स देखता है कि जैक्सन और लिडिया भी वहाँ पर हैं। जैक्सन अपने घर जाना चाहता है, लेकिन शेरिफ कह रहे हैं कि पहले उसको हॉस्पिटल जाना होगा ताकि वो लोग ये इंश्योर कर सके कि जैक्सन को कोई चोट नहीं लगी है। जैक्सन उनसे फिर घर जाने की जिद करता है और शेरिफ से बहुत बदतमीजी से बात करता है। डेरिक और स्कॉट भी उस वीडियो स्टोर की छत से सब कुछ देख रहे होते हैं। स्कॉट कहता है कि उसको समझ नहीं आ रहा है कि वो अल्फा ऐसे रैंडमली लोगों को क्यों मार रहा है, इससे उसको क्या मिलेगा। डेरिक कहता है कि वो भी यही पता लगाना चाहता है। इसके बाद वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि उस वीडियो स्टोर की टेरेस पर अजीब सा स्पायरल सिंबल बना होता है। सेम सिंबल डेरिक की बहन लॉरा की कब्र के ऊपर भी बना था। डेरिक और स्कॉट डेरिक के घर पर जाते हैं। स्कॉट कहता है कि उसके पास ये सब इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं है, उसको अपनी पढ़ाई पर भी कॉन्सेंट्रेट करना है क्योंकि वह अपनी केमिस्ट्री क्लास में फेल हो रहा है। डेरिक कह रहा है कि स्कॉट की लाइफ उसकी पढ़ाई से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 2 हफ्ते बाद फुल मून है और वो अल्फा दोबारा स्कॉट को अपने साथ हंट करने के लिए बुलाएगा, क्योंकि ऐसे ही स्कॉट उस अल्फा के पैक में शामिल हो पाएगा। और अगर इस बार स्कॉट ने उस अल्फा के साथ मिलकर हंट नहीं किया तो वो अल्फा स्कॉट को मार भी सकता है। डेरिक कह रहा है कि उस बाइट की वजह से स्कॉट उस अल्फा के साथ एक स्पेशल कनेक्शन शेयर करता है और इसलिए स्कॉट उसको ढूंढ सकता है। बस स्कॉट को वो तरीका सीखने की देर है जो डेरिक उसको सिखा सकता है। वो स्कॉट को बताता है कि उस अल्फा की सेंट ह्यूमन फॉर्म में अलग होगी और इसलिए डेरिक को उसको ढूंढने में इतनी दिक्कत हो रही है, पर वो दोनों मिलकर उस अल्फा को ज़रूर ट्रैक कर सकते हैं और उनको ये करना ही होगा, वरना वो अल्फा ऐसे ही लोगों को मारता रहेगा। डेरिक स्कॉट को ये भी बताता है कि पेन वेयरवुल्फ्स को उनकी ह्यूमन फॉर्म से कनेक्टेड रखता है। तभी जब स्कॉट को उन हंटर्स का एरो लगा था और जब वो एलिसन के डैड की कार से टकराया था, दोनों ही बार पेन की वजह से स्कॉट खुद वेयरवुल्फ से अपनी ह्यूमन फॉर्म में आ गया था, जबकि उस टाइम तो स्कॉट को अपना ट्रांसफॉर्मेशन सही से कंट्रोल करना भी नहीं आता था। आर्जेंट हाउस में केट एलिसन से सॉरी बोलती है क्योंकि उसने स्कॉट पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया था। एलिसन का बर्थडे होता है तो केट उसको बर्थडे गिफ्ट के तौर पर एक लॉकेट देती है। वो एलिसन को बताती है कि वो उनकी फैमिली का पुश्तैनी लॉकेट है और उस लॉकेट पर जो सिंबल बना है वो उनका फैमिली सिंबल है। अगर एलिसन को कभी भी अपनी फैमिली हिस्ट्री के बारे में जानना हो तो उसको उस सिंबल से स्टार्ट करना चाहिए। केट के गिफ्ट से एलिसन बहुत खुश हो जाती है। स्कूल में लिडिया ने एलिसन का लॉकर बर्थडे बैलून से फिल किया होता है और एलिसन उन बलून्स को छुपाने लगती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि किसी को पता चले कि आज उसका बर्थडे है। तभी स्कॉट वहाँ आता है और एलिसन से पूछता है कि उसने अपने बर्थडे के बारे में बाकी सबको क्यों नहीं बताया। एलिसन कहती है कि वो अपने बाकी के क्लासमेट से 1 साल बड़ी है क्योंकि वो बीगन हिल्स में न्यू है और ट्रांसफ़र की वजह से उसको 1 साल रिपीट करना पड़ रहा है, इसलिए वो नहीं चाहती कि किसी को उसके बर्थडे के बारे में पता चले क्योंकि अपनी एज को लेकर वो थोड़ा एम्बेरस फील कर रही है। एलिसन का मूड चेयर अप करने के लिए स्कॉट स्कूल बंक करने का प्लान बनाता है। स्कॉट और एलिसन कहीं घूमने चले जाते हैं। केमिस्ट्री क्लास के दौरान स्टाइल्स डेरिक से पूछता है कि क्या जैक्सन ने उसको उस वीडियो स्टोर वाले इंसिडेंट के बारे में कुछ बताया। डेरिक कहता है कि जैक्सन ने किसी को कुछ नहीं बताया कि उसके साथ उस रात वहाँ क्या हुआ था। फिर हम जैक्सन को देखते हैं। वो उस इंसिडेंट की वजह से बहुत अफेक्टेड और डरा हुआ लग रहा होता है। एक स्टूडेंट ने रेड कलर के हेडफोन्स लगाए हुए होते हैं, लेकिन स्टीम की वजह से जैक्सन को लगता है कि वो वही मॉन्स्टर है जिसने उस पर उस दिन अटैक किया था, और ये देख के जैक्सन बहुत डर जाता है। तभी डेरिक वहाँ आता है।
और उससे उस वीडियो स्टोर वाले इंसिडेंट के बारे में पूछता है। लेकिन जैक्सन डेरिक को घबराते हुए झूठ बोल देता है कि उसने कुछ नहीं देखा था कि उस वीडियो स्टोर में किसने अटैक किया था। इसके बाद डेरिक जैक्सन की गर्दन पर लगे अपने नाखूनों के स्क्रैचेस चेक करता है और जैक्सन को कहता है कि उसको वो घाव किसी डॉक्टर के पास जाके चेक करवा लेने चाहिए। फिर डेरिक वहाँ से चला जाता है। स्टाइल्स स्कॉट को कॉल करके बताता है कि लीडिया स्कूल नहीं आई है और जैक्सन भी अजीब बिहेव कर रहा है। स्टाइल्स कहता है कि स्कॉट को स्टाइल्स के साथ उस वीडियो स्टोर वाले इंसिडेंट को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, लेकिन स्कॉट पता नहीं कहाँ गायब है। स्कॉट कहता है कि वो अभी बिजी है और वो बाद में स्टाइल्स की हेल्प ज़रूर करेगा। स्कॉट एलिसन को एक जगह ले आता है और वो दोनों एक साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। स्टाइल्स लीडिया को चेक करने उसके घर जाता है। उस वीडियो स्टोर वाले इंसिडेंट की वजह से लीडिया बहुत एंशियस फील कर रही होती है, इसलिए उसने अपनी नर्व्स को कंट्रोल करने के लिए कुछ दवाई ली हुई होती है जिसकी वजह से वो थोड़ा नशे में होती है। स्टाइल्स उसे उस इंसिडेंट के बारे में पूछता है कि उसने वहाँ क्या देखा था। लीडिया उसको चाहकर भी सच नहीं बता पाती क्योंकि उसको खुद ही नहीं समझ आ रहा होता कि उसने जो देखा वो सच था या उसका वहम। लीडिया से बात करने के बाद स्टाइल्स वहाँ से जा ही रहा होता है, लेकिन लीडिया उसको थोड़ी देर और रुकने को कहती है। ये सुनकर स्टाइल्स बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसको लीडिया पर क्रश है। लेकिन फिर लीडिया उसको जैक्सन कह के पुकारने लगती है और स्टाइल्स समझ जाता है कि नशे की वजह से लीडिया उसको जैक्सन समझ रही है और स्टाइल्स का फिर से पोपट हो जाता है। तभी लीडिया का फ़ोन बजता है और लीडिया के लिए स्टाइल्स उसका फ़ोन उठा लेता है। उसके फ़ोन में स्टाइल्स उस अल्फा के भागते हुए एक वीडियो देख लेता है जो उस वीडियो स्टोर वाले अटैक के टाइम लीडिया ने गलती से बना ली थी जब वो अपनी सेल्फीज ले रही थी। केट अपने दो आदमियों के साथ डेरिक के घर पर जाती है। उनमें से एक आदमी कहता है कि क्रिस ने उनको अभी फ़िलहाल के लिए डेरिक पर अटैक करने से मना किया है। केट कहती है कि वो तो बस डेरिक से थोड़ी बातें करना चाहती है और कुछ नहीं। डेरिक उन लोगों की आहट सुन के छुप जाता है तो उसको बाहर निकालने के लिए केट उसको प्रोवोक करती है और डेरिक की बहन की मौत के बारे में बोलती है, जिस वजह से डेरिक को गुस्सा आ जाता है और वो बाहर आ जाता है। वो उन दो आदमियों पर तो भारी पड़ता है, लेकिन केट उसको एक टेजर से करंट लगा देती है और डेरिक ज़मीन पर गिर जाता है। स्कॉट और एलिसन ने अपने अपने फ़ोन स्विच ऑफ किए हुए होते हैं, इसलिए स्टाइल्स स्कॉट को कॉन्टैक्ट नहीं कर पाता, जिस वजह से उसको बहुत गुस्सा आता है। वो स्कॉट को एक वॉइसमेल भेजता है कि उसको उस अल्फा से रिलेटेड एक नया सुराग मिला है। वो स्कॉट से जल्द बात करना चाहता है। इसके बाद शेरिफ वहाँ आते हैं। वो स्टाइल्स को कहते हैं कि वो होप करते हैं कि उनको पेरेंट्स टीचर मीटिंग के दौरान स्टाइल्स की वजह से टीचर्स की डांट नहीं सुननी पड़ेगी। केट डेरिक को बार बार टेजर से करंट लगा के टॉर्चर करती है। उनकी बातों से पता लगता है कि ज़रूर उन दोनों के बीच कुछ हिस्ट्री रही होगी। वो डेरिक को बताती है कि उसकी बहन को उसी अल्फा ने मारा था क्योंकि उसकी डेड बॉडी पर एक वेयरवुल्फ के बाइट के निशान थे। केट कहती है कि उन लोगों को मिलकर काम करना चाहिए ताकि वो लोग उस अल्फा तक पहुंच पाएँ, इसलिए केट चाहती है कि डेरिक उसको उस अल्फा का नाम बता दे। डेरिक के एक्सप्रेशन से केट समझ आती है कि डेरिक को खुद को भी उस अल्फा का नाम नहीं पता है। केट कहती है कि अब डेरिक उनके किसी काम का नहीं है और वो डेरिक पर गोलियाँ चला देती है, लेकिन डेरिक वहाँ से बच के भाग जाता है। स्कॉट के बॉस डीटन स्कॉट को लेकर परेशान होते हैं क्योंकि स्कॉट उस दिन काम पर नहीं आता है। उनको स्कॉट की फिक्र होती है, इसलिए वो स्कॉट के लिए एक वॉइस मेल छोड़ते हैं। तभी शेरिफ वहाँ पर आते हैं और डीटन को उस वीडियो स्टोर इंसिडेंट से रिलेटेड कुछ पिक्स दिखाते हैं जो बहुत चौंकाने वाली होती हैं, लेकिन डीटन उन पिक्स को देख के कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता। उसको देख के साफ दिखता है कि वो ज़रूर कुछ छुपा रहा है। एलिसन स्कॉट को कहती है कि उसको आज स्कॉट के साथ बहुत मज़ा आया और आज का दिन उसके लिए परफेक्ट था क्योंकि उसने पूरा दिन स्कॉट के साथ गुजारा। पेरेंट्स टीचर मीटिंग के दौरान हमें हर स्टूडेंट के बारे में टीचर से पता चलता है। हमें पता चलता है कि जैक्सन अडॉप्टेड है और वो अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स से कभी नहीं मिला है। उसके फॉस्टर पेरेंट्स और टीचर कहते हैं कि शायद इसी वजह से जैक्सन हर चीज़ में नंबर वन आने की कोशिश करता है क्योंकि वो अपने आप को प्रूफ करना चाहता है। लीडिया के पेरेंट्स को लगता है कि टीचर लीडिया के बारे में बुरा बोलेगी और वो दोनों टीचर के बोलने से पहले ही एक दूसरे को ब्लेम करने लगते हैं, लेकिन लीडिया की टीचर कहती है कि लीडिया उनके फाइनेस्ट स्टूडेंट्स में से एक है और उसमें बहुत अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज़ भी हैं। कोच स्टाइल्स के बारे में कहते हैं कि स्टाइल्स बहुत स्मार्ट है लेकिन उसको अपना टैलेंट सही जगह यूज़ करना नहीं आता है। हमें ये भी पता चलता है कि स्टाइल्स का असली नाम स्टाइल्स नहीं है और स्टाइल्स नाम उसने खुद ही अपने लिए रखा है। स्कॉट के टीचर कहते हैं कि स्कॉट का आजकल पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। मे बी शायद उसको उसके डैड की कमी खल रही है।
ये सुनके स्कॉट की मॉम ऑफेंड हो जाती है क्योंकि स्कॉट के टीचर इनडायरेक्टली ये कह रहे होते हैं कि वो स्कॉट को सही से पाल नहीं पा रही है। स्कॉट की मॉम कहती है कि वो दोनों स्कॉट के डैड के बिना ही अच्छे हैं। एलिसन की टीचर कहती है कि एलिसन बहुत स्वीट है और बहुत जल्दी कहीं भी एडजस्ट कर लेती है, लेकिन वो थोड़ी रिपेलियस भी है। एलिसन की टीचर से उसके पेरेंट्स को ये भी पता चलता है कि उसने आज स्कूल बंक किया था। पेरेंट्स टीचर मीटिंग के बाद एलिसन के पेरेंट्स और स्कॉट की मॉम बहुत गुस्से में होते हैं और एक दूसरे से आर्ग्यू करने लगते हैं क्योंकि उनको लगता है कि उनके बच्चों पर गलत संगति का असर पड़ रहा है। तभी स्कॉट और एलिसन भी वहाँ आते हैं और उनके पेरेंट्स उन दोनों पर बहुत गुस्सा करते हैं। तभी वो लोग देखते हैं कि उनके पास एकदम से अफरा तफरी मच जाती है और लोग इधर उधर किसी जानवर से डर के भागने लगते हैं। एलिसन का भी एक्सीडेंट होने वाला होता है लेकिन स्कॉट उसको बचा लेता है। उस अफरा तफरी की वजह से शेरिफ को भी चोट लग जाती है। स्कॉट को डर लगता है कि कहीं उस अल्फा ने तो अटैक नहीं कर दिया। तभी एलिसन के डैड एक जानवर को शूट कर देते हैं। सब लोग देखते हैं कि वो एक नॉर्मल जानवर होता है। इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।